दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो आप सेल में लाते क्यों हो यार, वो भी ऐसा स्मार्टफोन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब उससे उसके बाद और कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ सेल में अभी तक, मतलब ऐसा और भी कोई स्मार्टफोन नहीं जो उससे नया हो और आपके पास यूनिट ही नहीं है, आप सेल में लेकर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ मोटो एच 40 नहीं होगी। वैसे पहले से कहा गया था कि ये सेल में आपको 20,000 में मिलेगा एंड 21,000 पे आया था इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, जो स्पेसिफिकेशन आता है काफी तगड़ा है उस प्राइस के हिसाब से, इसी लोगों को नजर भी इसने खींचा, ध्यान भी खींचा लोगों का एंड लोग लेना भी चाहते थे, बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम से लेके बहुत सारी जगह पे आके कह रहे हैं कि कब आएगा। सेल अर्ली सेल चालू हुआ था, उससे पहले पूछ रहे थे कब आएगा, कमिंग सून दिखा रहा था, अर्ली सेल चालू हो गया तब भी नहीं आया, कमिंग सून ही दिखा रहा था, ले दे के कल सुबह के टाइम मतलब परसों रात को समझ लो कि आया था सेल पे एंड बट उसमें भी सिर्फ ब्लैक कलर वाला ही आया था, बाकी भी आया था लेकिन उसमें नॉन डिलीवरेबल बता रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैं मुंबई में रहता हूं, वो भी मुंबई के कहीं दूर दूर नहीं, मैं मुंबई के बीच में एयरपोर्ट के पास रहता हूं सेंटाक्रूज में, सेंटाक्रूज इसमें एंड यहां पे भी नॉन डिलीवरेबल ही बता रहा था। आप सोचो मुंबई में नहीं भेज सकते, वो भी मुंबई के प्राइम लोकेशन पे, तो दुनिया में कहां भेजेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ पे नॉन डिलीवरेबल, कोई अच्छा मुझे बताओ कोई ऐसा है जिसके लोकेशन पे एक्चुअली डिलीवरेबल बता रहे थे, सिर्फ ब्लैक वाले को छोड़ गया, बाकी सारे कलर की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैक वाला तो मेरे यहाँ पे डिलीवरेबल था, वो मैंने कल भी उस वाले वीडियो में कहा था कि ये कलर मेरे यहाँ पे दिखा रहा है डिलीवरेबल, बाकी सबकी बात पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ पे दिखा रहा था। अगर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कोई था ऐसा जिसके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन से लेके बहुत सारी जगहों पे ये चीज कह रहे हैं कि नॉन डिलीवरेबल ही दिखा रहा है, और मेरे हिसाब से अगर नॉन डिलीवरेबल रखना है या फिर कमिंग सून ही रखना है, बाद में तो कमिंग सून आ गया जल्दी बिक गया सारे कह रहे उनके हिसाब से, मुझे नहीं पता कितने यूनिट थे, लेकिन अगर यही रखना है आपको तो ये तीन कलर लॉन्च क्यों किया, जब हो जाता यूनिट तब लॉन्च करते आप, उस टाइम पे तो कुछ नया होता यार, ब्लैक कलर ही लेकर आते आप, पहले लॉन्च कर रहे हो कह रहे हो कि आने वाला है पहले सेल में, फिर सेल में भी नहीं आया, प्राइस भी डाल दिया सेल का कि 20,000 में मिलेगा सारे ऑफर लगा कि, एंड देन फिर भी गायब। मेरे हिसाब से ये स्कैम काइंड ही है एंड नहीं करना चाहिए इनको, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, 20,000 की प्राइस पे काफी सही स्पेसिफिकेशन था, वो भी मोटो की ब्रांडिंग के साथ लेना चाहते थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड को मैंने सजेस्ट भी किया था बट वो भी नहीं ले पाया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुरा हुआ है एंड लाना चाहिए था। अगर आपको ब्लैक कलर ही बेचना था तो दो कलर नहीं लाना चाहिए था, जब आता यूनिट तब उसके बाद लॉन्च करते, जैसे कुछ स्मार्टफोन ब्रांड होते हैं कुछ स्मार्टफोन्स के दूसरे कलर बाद में लॉन्च करते, उस टाइम लॉन्च करते, आपने पहले सारी चीजें लाके कह दी एंड आपके पास नहीं है, आप कमिंग सून ही दिखा रहे हो और नॉन डिलीवरेबल बता रहे हो ऑलमोस्ट सारी जगहों पे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्कैम काइंड है, नहीं करना चाहिए भाई मोटो जैसे ब्रांड को। अभी फ्लिपकार्ट पे होता है ऐसा, अब बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके प्राइसेस बहुत कम बताए गए थे, जैसे आईफोन 12 जो इसका 32,000 के आसपास प्राइस बताया गया था भाई, अब 40,000 के आसपास मिल रहा है। आईफोन 14 जो है ये 50,000 के ऊपर जा रहा है, 49 समथिंग बताया गया था, तो ये भी चेंजेस हो गए, यहाँ पे भी स्कैम चालू कर रहे हैं, ये हर सेल में होता है। मैंने पहले भी कहा था उस वाले वीडियो में कि जिसमें कहा था कि पांच चीजें आपकी बात की, मैंने कहा था जब आए तुरंत ले लिया करो अदरवाइज के प्राइसेस चेंज होते हैं ऑन द स्पॉट, और हो भी गए, बहुत सारे स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं जो सेल बताए गए थे उससे ज्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से सही नहीं। अभी आप बताओ आपके साथ स्कैम कुछ हुआ जो आपने खरीदना चाह और उसकी प्राइस बढ़ गई हो इस सेल में, जरूर बताया कमेंट सेक्शन में लिख के, एंड कैसा लगा वीडियो बता दीजिए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियो भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्लिपकार्ट और मोटो को अगर नहीं है यूनिट अब पहले भाई उसको सेल पे मत लाओ, कह रहे हो भाई यूनिट नहीं है सोच लेंगे देख लेंगे बाद में, कह रहे हो कि सेल पे लाने वाले हैं ऑफर में इस प्राइस पे आने वाला, उसके बाद आया ही नहीं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा स्कैम हो जाता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।